आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, BHBC News में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन विभाग। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में भारतीय सेना के हाथ बड़ी कामयाबी हासिल लगी है और सेना के जवानों ने बारामूला के उरी कस्बे में दो संदिग्धों को पकड़ा है। इन दोनों के पास से सुरक्षा बलों को 2 पिस्तौल, 5 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्धक सामग्री बरामद हुई है। भारतीय सेना ने इसकी जानकारी दी है। ये दोनों संदिग्ध ऐसे समय में पकड़े गए हैं जब अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर उरी बारामूला में 14 सितंबर को एक मोबाइल व्हीकल चेकपोस्ट स्थापित की गई थी। इस चेकपोस्ट पर तैनात जवानों ने उरी में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 5 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री बरामद हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। वहीं अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ 3रे दिन भी जारी है। अब तक इस एनकाउंटर में 4 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 5 जवानों के घायल होने की खबर है। एनकाउंटर में सेना के 19 राष्ट्रीय राइफल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, कंपनी कमांडर मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हुए हैं। सेना ने शुक्रवार सुबह 4थे जवान का शव बरामद कर लिया है मगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। सेना ने फिलहाल अनंतनाग में जिस जगह मुठभेड़ हुई है उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। यहां नागरिकों के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मौके पर सेना के जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं और सूत्रों का कहना है कि एनकाउंटर में उजैर खान नाम का आतंकवादी शामिल है। यह आतंकी स्थानीय है। मुठभेड़ में विदेशी आतंकी के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अनंतनाग के कोकेर नाग में चल रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।